ये देखो, ये क्वेश्चन काफी बार आया है लॉज ऑफ मोशन में कि अगर एक स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस पे अगर एक ब्लॉक रखे हो तो ब्लॉक नीचे आ जाएगा, लेकिन अगर मैं वेज को एक्सलेशन दे देता हूँ किधर, इधर की डायरेक्शन में, तो इधर सूडो लगने लगेगा जिसकी वजह से ब्लॉक रेस्ट में आ जाएगा, तो वो एक्सलेशन कितना होता है? तो एक वो एक्सलेशन अभी इससे पिछले हम बार आया था, तो एक्सलेशन एक जी जी टेन थीटा होता है। ठीक है, अब भैया ये वेज है, अगर मैं इसको ब्लॉक रखूंगा तो नीचे आ जाएगा, लेकिन अगर मैं इस वेज को एक्सलेशन दे दूंगा इधर की डायरेक्शन में, हॉरिजेंटल ए एक्सलेशन, तो इस पे सूडो इधर लगेगा जिसकी वजह से रेस्ट में आ जाएगा। तो नॉर्मल ऊपर गया, एम जी नीचे गई, और जो सूडो है हॉरिजेंटल में, एम में सूडो इधर गया, सूडो के दो कंपोनेंट कर दिए, थीटा है तो यह आ जाएगा एम में कॉस थीटा, और यह आ जाएगा सूडो का एक कंपोनेंट दैट इज एम में साइन थीटा, और एम जी का एक कंपोनेंट इधर आएगा जैसे एम जी कॉस थीटा, और एक आ जाएगा इधर एम जी साइन थीटा, है ना? किए थे इसको हम लोग, किए थे। तो इस तरह से हम यहाँ इसको निकाल लेंगे। ठीक है, एम जी साइन थीटा, अगर ये ब्लॉक रेस्ट में है, अगर ये ब्लॉक रेस्ट में है तो एम जी साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू सूडो एम ए कॉस थीटा, और एक्सलेशन ए की वैल्यू आ जाएगी जी टेन थीटा। ठीक है ना, जिसको नहीं, जिस बहुत बेहतर तरीके समझाया हूँ, दोनों तरीके समझाया हूँ, पिछले वाला वीडियो देखना, और वैसे भी यार एक काफ़ी बार आता है, इसको याद कर लो। ठीक है, बड़े बड़े जब क्वेश्चन, हालांकि तुम्हें नहीं मिलेगा, बट बहुत सारे जब क्वेश्चन करोगे बड़े बड़े लेवल के, तो उसमें इसकी वैल्यू डायरेक्ट हम यूज करते हैं। ठीक है।